पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पानी के बारे में। पानी जिसका पूरी धरती और हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा आधिपत्य है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनता है भगवान। इन पंच तत्वों में सबसे ज़्यादा जो लाइवली तत्व है, जिसमें जीवन है, वो है पानी। जी हाँ दोस्तों, जो पानी है वो हमारे हर बात को सुनता है। पानी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, पानी ऐसा तत्व है जो कि धरती पर गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, तीनों फॉर्म में ही पाया जाता है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, उसे जिस बर्तन में डाल दिया जाए वो वैसा ही रूप ले लेता है। अगर पानी को मटके में डाल दिया जाए तो वो मटके की शेप ले लेगा, सुराही में डाल दिया जाए तो सुराही की शेप ले लेगा, अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो समुद्र जैसा खारापन भी ले लेगा। उस पानी को अगर हम कॉपर के गिलास में डालते हैं तो उस पानी में गर्म प्रवृत्ति आ जाएगी, और उसी पानी को अगर हम चांदी के गिलास में पीते हैं तो हमारे शरीर को वो पानी ठंडक देने लगता है। दोस्तों, हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि धरती पर हमारे देश में इतने ज़्यादा धर्म होने के बाद भी, इतने धार्मिक मान्यताओं में मतभेद होने के बाद भी, एक चीज़ सब धर्मों में कॉमन है, वो है पानी का महत्व। जी हाँ, हर धर्म में पानी का इतना ज़्यादा महत्व है। हर गुरुद्वारे में पानी के बड़े बड़े सरोवर पाए जाते हैं। हर मंदिर में सुबह चरणामृत के साथ पूजा होती है। पहले भी जब कोई साधु बाबा किसी को आशीर्वाद देते थे, आपने देखा होगा कि वो अपने कमंडल में भी पानी डालकर रखते हैं। जब उन्हें किसी को आशीर्वाद देना होता था, किसी को हीलिंग देनी होती थी, तो अपने हाथ में पानी रखकर कुछ ब्लेसिंग्स डालकर उस व्यक्ति को या पिला देते थे या उसके ऊपर थोड़ा छिड़क देते थे, जिससे कि उस व्यक्ति के अंदर उस पानी के थ्रू पॉजिटिव वाइब्स चले जाएं, और उसी पानी के साथ ही वो उस व्यक्ति की हीलिंग कर दिया करते थे। आज भी जब कोई बड़ी बड़ी पूजा कथा होती है तब भी पानी का बहुत महत्व होता है। बड़ी लेडीज़ का मानना है कि अगर आप कोई कथा कर रही हैं और कथा सुनने वाला कोई ना हो, तो आप एक पानी का लोटा, पानी का कलश अपने पास रखकर कथा करें, तो वो पानी आपकी कथा का, आपके व्रत का साक्षी हो जाता है, क्योंकि उस पानी में जीवन है, वो पानी हर बात को सुनता है। दोस्तों, जब हमने पानी के बारे में इतना जान ही लिया है कि पानी के अंदर जीवन है, पानी हमारी हर बात को सुन रहा है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम पानी को यूज़ करते हुए बहुत अटेंटिव रहें, बहुत केयरफुल रहें। हम इस बात का ध्यान रखें कि जब हम पानी पी रहे हों तब हम कुछ भी ऐसी नेगेटिव बात ना करें कि जिसे सुनकर पानी के अंदर कुछ नेगेटिव वाइब्स आ जाएं और वो पानी पीने वाले के अंदर बैड इफ़ेक्ट डालने लगे। आमतौर पर लोग गलती करते हैं कि पानी का गिलास हाथ में होता है, फ़ोन पर बात कर रहे हैं या वैसे भी चलते फिरते बोलते रहते हैं कि यार मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, मैं तो इस जॉब से परेशान हो गया, अरे मेरी तो बहू ऐसी है, अरे मेरे तो बच्चे ही बात नहीं सुनते। उन लोगों को ये नहीं पता कि जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं, वो पानी उनकी बात को सुनकर अपने अंदर उसी वाइब्स को, उन्हीं बातों को एब्जॉर्ब करके उन्हीं बातों को मैनिफेस्ट किए जा रहा है। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में झगड़े रहते हैं, कलेश रहते हैं, जहाँ का माहौल खराब रहता है, यानी कि जहाँ पर अपशब्द यूज़ किए जाते हैं, गाली गलौच होते हैं, वहाँ के घर का, यानी कि उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस घर में जो पानी प्रेजेंट होता है वो पानी उनके द्वारा बोले हुए उन वर्ड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो वाला पानी हम पीते हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो वाइब्स हमारे अंदर भी एंटर कर जाती है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पानी ही वो तत्व है जो जीवित भी है और हमारी हर बात को सुनकर ब्रह्मांड तक पहुंचाता भी है। क्या हम इस पानी के साथ अपने को हीलिंग भी कर सकते हैं? जी हाँ, इस पानी के साथ हम हर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हर बड़ी बड़ी बीमारी को हील भी कर सकते हैं। पानी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और बीमारियों को हील करना जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो आने तक नमस्कार।